काश्मीरमध्ये सध्या दहशतवाद्यांची घुसखोरी सुरू असून भारतीय जवानांकडून दररोज 1 ते 2 दहशतवादी मारले जात आहेत. तेथील पर्यटक सुरक्षित असून जवानांवर होणाऱ्या दगडफेकीच्या घटनाही बंद झाल्या आहेत. आम्ही काश्मीरी जनतेच्या मनात बिंबवलंय की हा चुकीचा रस्ता आहे. भारत देश हा सुपर पॉवर असून त्याला कोणीही तोडू शकत नाही, असं प्रतिपादन जम्मू आणि काश्मीरचे महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी शिर्डी येथे केलं. शिर्डीमध्ये खासगी कार्यक्रमाला आले असता त्यांनी साई दरबारी हजेरी लावत साईंचं मनोभावे दर्शन घेतलं. याप्रसंगी संस्थांच्या वतीनं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी राज्यपाल मलिक यांचा साईंची मूर्ती देऊन यथोचित सत्कार केला. याप्रसंगी साई संस्थांचे विश्वस्त बिपिनदादा कोल्हे उपस्थित होते. और उनसे आदमी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती. आप खड़े होकर हाथ जोड़ो, उनकी आरती करो, कीर्तन करो, चरण छुओ, वो सब बिना मांगे देते हैं. सर, जम्मू कश्मीर में सुख शांति हो इसके लिए क्या सुविधा? देखिए, जम्मू कश्मीर में एज ऑन टुडे आप जाइए, मुझे तो खतरा होगा. आप 25,000 यात्री थे गुलमर्ग में, रोकना पड़ा रास्ता, सब जा रहे हैं, कुछ नहीं है वहां इस वक्त, सिर्फ टेररिस्ट हैं जो दो तीन रोज मर जाते हैं. आम जनता में, टूरिस्ट को किसी कोई खतरा नहीं है. पिछले 5 महीने से टेररिस्ट की भर्ती बंद हो गई है, पत्थरबाजी बंद है, और उनकी समझ में आ रहा है कि इस रास्ते से कुछ नहीं मिलेगा. नहीं की थी मैंने ये, देखिए हमने ये बात उनके और जनता के जहन में बिठा दी है कि ये गलत रास्ता है. इस हिंदुस्तान एक सुपर पावर है, उसको आप तोड़ नहीं सकते. उसी के संविधान के दायरे में जो मांगोगे वो मिलेगा.